साथियों, ये एक सच्ची कहानी है। ये वो कहानी है जो शायद आज आपके दिल को हिला देगी। ब्राजील में दंगों का माहौल था, पूरे शहर में त्राही त्राही मान मचा हुआ था। चारों तरफ खाने को कुछ भी नहीं मिल रहा था, न दूध था, न सब्जी थी, न फल थे। चारों तरफ त्राही त्राही मान मचा हुआ था। चारों तरफ कर्फ्यू का माहौल था, शहर पिछले 5 दिन से बंद था। जिनके पास थोड़ा बहुत खाने को था वो तो अपना काम चला रहे थे। वहीं पे एक गरीब बच्चों का हॉस्टल था। उन गरीब बच्चों का हॉस्टल की जो मैस है वो पिछले 5 दिन से बंद थी। अब मैस के बंद होने से बच्चे भूख से बिल बिला रहे थे। उन बच्चों ने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया था। उसमें से एक छोटा बच्चा जो भूख से तड़प रहा था उससे रहा नहीं गया और वो वहां से निकलकर सड़क पे आ जाता है। उसे डर था कि शायद मुझे पुलिस मारे। पेट की भूख के आगे वो मार भी कम लगती थी। तो बच्चा निकल के सड़क पे आ गया। वो थोड़ी दूर गया, उसे एक घर की बालकनी पे एक युवती खाना खा रही थी और वो बच्चा उस युवती को एक ही टकटकी लगाकर देखता रहा। उस युवती को बड़ा अजीब लगा। उसने पूछा, क्या खाना चाहिए? बोला, हाँ, मैं 3 दिन से भूखा, मुझे खाना नहीं मिला। तो युवती ने उस डर भरे माहौल में उस बच्चे को अपना घर का दरवाजा खोला और उसे अंदर बुलाया और उसे खाना दिया। वो बच्चा बोला, मैं खाना नहीं खा पाऊंगा, मैं 3 दिन से भूखा हूँ। तो उस युवती ने उसे एक गिलास दूध और 2 ब्रेड उसको दी। वो लड़के ने दूध और ब्रेड लिया, खाया और बहुत सारा थैंक यू बोल के वहां से निकल गया। जैसे वो गेट के बाहर निकला वो एक बार फिर से रुका और उस घर की नंबर प्लेट को टक टक के लगाकर देखने लगा। युवती ने बोला, कुछ और चाहिए क्या? बोला, नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। और वो वहां से ढेर सारा थैंक यू बोल के वहां से वो निकल जाता। वहां से निकल जाने के बाद में कई वर्ष बीत जाते हैं और अब वो जो युवती है वो एक बड़ी उम्र की महिला बन जाती है। एक दिन का समय था, वो अपनी कार से कहीं जा रही थी कि पीछे से एक बहुत बड़ी गाड़ी आकर उसको ठोक देती है और उस महिला का भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है। वो महिला अनकॉन्शियस होकर वहां गिर जाती है। तो कुछ लोग वहां मिलके उस महिला को पास वाले हॉस्पिटल में उसको एडमिट करते हैं। एडमिट होने के बाद में उनका इलाज शुरू हो चुका था और 5 दिन बाद उस महिला को होश आया। जब उसको होश आया तो वो घबरा गई थी। वो सोचने लगी, इतने बड़े हॉस्पिटल का मैं बिल कैसे पे करूंगी। उसने इंश्योरेंस करवा रखा था बट उसका इंश्योरेंस इतना नहीं था कि वो उस हॉस्पिटल का बिल भर सके। और वो अपने बिल की मांग करने लगी कि मुझे मेरा बिल तो लाके दीजिए। तो वहां के जो स्टाफ ने बोला, नहीं, बिल आ जाएगा, आप आराम कीजिए, आप टेंशन मतलब बिल आपका आ जाएगा। फिर 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, वो रोज इसी चिंता में जी रही थी कि इसका बिल कितना बड़ा आएगा, मैं बिल कैसे पेड करूंगी। जब वो डायरी खोलती है, डायरी खोलने के बाद उसकी आंखों से टप टप करते आंसू बहने लगते हैं। क्या आपको पता उसमें क्या लिखा था? उसमें लिखा था, योर बिल इज फुल्ली क्लियर, 1 glass of milk, 2 piece of bread, थैंक यू। महिला ही देख के चिंता में आया। उसने पूछा कि ये मेरा बिल किसने पेड किया? तो वहां की नर्स ने बोला, इस हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर केविन ने। तो वो वहां से खड़ी होके डॉक्टर केविन के पास में जाती है और डॉक्टर केविन उन्हें बोलता है, आपको याद है कई सालों पहले जब चारों तरफ कर्फ्यू का माहौल था, मैं भूख से बिल बिला रहा था, मुझे लगा उस दिन मैं भूख से मर जाऊंगा और कोई भी खाने को देने के लिए तैयार नहीं था। उस दिन आपने अपना दरवाजा खोला और मुझे 1 glass of milk and 2 bread मुझे आपने खिलाई थी, वो कर्ज मेरे पे था और भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद, ये कर्ज मुझे आज चुकाने का मौका मिला। जब मैं वहां से लौटा तो आपका मैं नाम नोट करके लौटा था। आज मुझे भगवान ने मौका दिया कि मैं अपना कर्ज आपको पूरी तरह उतार पाया। माँ जी, आप ऐसे ही सबकी मदद करते रहे। और वो महिला के आंखों से धड़ धड़ आंसू बहने लगे और उसे गले लगा दिया। दोस्तों, इस कहानी का मोरल ये है कि
अगर आप में देने का सामर्थ्य है तो दीजिए। हम हर जगह हाथ फैलाते हैं, मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में, गुरुद्वारे में। छोड़ो ना यार, हाथ ऐसे रखो ना, ऐसे की बजाय इस हाथ को ऐसे रखो ना, दो, जितना हो सके उतना दो। किसी ने सच कहा है, जब आप दूसरों को देने के लिए अपनी जेब खोलोगे ना, उस दिन ऊपर वाला आपको देने के लिए अपना दिल खोलेगा। चारों तरफ लॉकडाउन का माहौल है, चारों तरफ क्राइसिस है, देखो जरा कहीं पे मदद हो सकती है क्या, कहीं पे किसी की मदद हो सकती है क्या, कहीं कोई भूखा तो नहीं सो रहा है। तो आप अपने चारों तरफ हो सके जितनी मदद करें, जरूरी नहीं कि मदद पैसों से की जा सकती है। आप दो प्रेम भरे शब्द बोलते हैं, उनकी प्रशंसा करें, जितनी हो सके उनकी मदद करें। ऊपर वाला उसी की जेब भरता है जिसकी जेब भरने से सबका भला होता है। तो दोस्तों, बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपको वीडियो, अगर आपको कहानी बड़ी अच्छी लगी है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।